आप देख रहे हैं पुलिस वाला बाब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बागेश्वर महाराज ने आज प्रेस वार्ता में क्या कहा? आज बागेश्वर धाम में हुई प्रेस वार्ता, में 12 से 19 तारीख तक होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताया गया। इस दौरान तमाम चैनल वाले उपस्थित रहे। आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 12 तारीख है, चूंकि बहुत पूर्व में हमें यहाँ आ जाना था, अभी धाम की व्यवस्था और कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा आयोजन है, जिस कारण से कार्यों में खूब व्यस्तता है। समूचे क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश से, समूचे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित आप सभी उस बागेश्वर धाम पीठ की ओर से खूब खूब साधुवाद है। विश्व कल्याण एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ चतुर्थ विशाल 121 कन्या विवाह शिवरात्रि महोत्सव बागेश्वर धाम पर कल से प्रारंभ होगा। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यह दिव्य और भव्य आयोजन प्रारंभ होगा, जिसमें समूचे भारतवर्ष के साथ साथ अनेकानेक देशों के बागेश्वर धाम के पागल अनुयायी, बागेश्वर धाम के भक्त, बागेश्वर बालाजी के चरणों पर निष्ठा रखने वाले सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस कन्या विवाह महोत्सव में अपने भाव की आहुति डालकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में जुटे। बुंदेलखंड के मोक्ष स्थल पर विराजमान स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य प्रांगण की धरा पर हम आप सब बैठे व खड़े हैं। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी की महती कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से भारत का एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां केवल धर्म की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा के साथ समाज को जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है, जिसमें हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेसहारा, वंचित, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को बागेश्वर मंडल चुनकर, उनके जो फार्म आते, आवेदन आते, उनको चुन करके जो वास्तविक पात्र हैं, ऐसी बेटियों का पाणि ग्रहण संस्कार उपहार व्यवस्था सहित, समुचित व्यवस्था सहित पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से संपन्न परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वास्थ्य के विषय में एक तो आयुर्वेदिक औषधालय में 3 माह पहले खुलवाया, बागेश्वर धाम पर खुला, और पुनः आप सबका सहयोग रहा, तो बुंदेलखंड के जितने पत्रकार हो गए, आप सब हमारी आत्मा हो, आप लोग भी आत्मा हो, तो आप सबको बता दें, आप सब स्वयं गौरव से अपना सीना तान कर चलेंगे। बहुत जल्दी केवल युवा की बात बागेश्वर धाम से नहीं, युवा के साथ साथ दवा की बात इसको लेकर ये भी जागरूकता की बहुत आवश्यकता। महाराज जी को आमंत्रण भेजा है, पहुंच जाएंगे। महाराज जी, जिस वाली सीमा में वाला है खजुराहो में,
राजीव भाई साहब को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। बागेश्वर धाम पर जो आए सबका स्वागत। बहुत बहुत